हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा देखिए मैं देखता हूँ देख रहा था कि यहाँ पर काफी लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर रखा है बट अगर बेलाइकन की बात करें तो बेलाइकन बहुत कम लोगों ने यहाँ पर दबा रखा है तो बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए क्यों क्योंकि यहाँ पर हम जो वीडियो डालते हैं आपको डेली बेसिस पर वीडियो मिलेगी तो आप यहाँ पर सीख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम देखे तो डेली बेसिस पे एक बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो हम यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं शॉर्ट्स बना रहे हैं एवरी वीडियो हम यहाँ पर अच्छी नॉलेज के साथ दे रहे हैं प्ले भी हमने बना रखी है तो चीजें सीखने का मौका मिलेगा तो हमें बेलाइकन को भेंट कर लीजिए अगर किसी ने नहीं कर रखा है क्योंकि काफी लोगों ने नहीं कर रखा है केवल ट्वेंटी परसेंट लोगों ने यहाँ पर मैं देख रहा था तो बेल आइकन को हिट कर रखा था और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर भी वीडियोज आती रहती है धीरे धीरे यहाँ पर भी अच्छे खासे हमारे यहाँ पर सब्सक्राइबर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों पे फॉलो करिए यहाँ पर चार्ट डाले जाते हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके रिलेटेड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक और आई आने वाला है अडानी अगर हम यहाँ पर मार्केट में देखें तो आप यहाँ पर स्क्रीनर पर जाएंगे और पर आप डालेंगे अडानी तो आपको पता चलेगी अडानी कि के कितने स्टॉक्स यहाँ पर मार्केट में लिस्ट है अडानी ट्रांसमिशन है अडानी ग्रीन है अडानी इंटरप्राइजेज है अडानी पोर्टल है अडानी पावर है अडानी टोटल गैस है अडानी बिलमार है तो हम यहाँ पर देखें तो सात शेयर ऑलरेडी अडानी के यहाँ पर लिस्ट है बट एक आईपीओ और आने वाला है जिसका नाम है अडानी कैपिटल अडानी कैपिटल का जब आप नाम सुन रहे हो तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कैपिटल मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं शेयर बाजार से रियल इस्टेट कंपनी है तो ऐसा नहीं है अडानी कैपिटल एक तरीके से एन है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉपोरेशन जिसे हम कहते हैं एन एक कंपनी है तो उसका आईपीओ आता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मैं आपको केवल इस देखिए बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारी चीजें कैपिटल के बारे में ऑलरेडी बताई होगी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ इसके रिजल्ट ओके okay, यहाँ देखेंगे अडानी कैपिटल तो मैं इसके रिजल्ट भी दिखाऊंगा यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कंपनी यहाँ पर एक्जेक्टली exactly किस तरीके से अच्छा खासा काम कर सकती है क्या कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है या नहीं दे रही है उससे लेटिव बातें करेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे बहुत सारी चीज तो सबसे पहले कैपिटल के बारे में जान लेते हैं अडानी कैपिटल की एक्जैक्टली exactly करता क्या है अडानी कैपिटल की अगर हम बात करें तो एनबीएफसी है तो लोन देने का काम है इसका ओके बैंकिंग है बैंकिंग अः का कोई बिजनेस नहीं है जैसे यहाँ पर अः बैंक यहाँ पर पैसे लेता है फिर उसका लोन देता है ऐसा कुछ नहीं है अड़ानी की यहाँ पर ये अलग सी कंपनी है और 2017, 2017 में 2017 में ये कंपनी यहाँ पर इन्होंने स्टैब्लिश करी थी यहाँ पर अगर बात करें ये किस किस तरीके के लोन देते हैं ये यहाँ पर फार्म इक्विपमेंट एकु, लोन यहाँ पर देते हैं जैसे कि ट्रैक्टर लोन इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल थ्री व्हीलर लोन स्मॉल कमर्शियल कमेर्श, व्हीकल्स के लिए यहाँ पर लोन देते हैं इसके अलावा ये किसानों को तो लोन देते ही देते हैं यहाँ पर एम एस एम ई मतलब यहाँ पर मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस जो होती है ओके छोटी छोटी यहाँ पर दुकानें हो गई या छोटे कोई काम हो गया छोटा सा कोई बिजनेस हो गया मीडिया इंटरप्राइजेस होगी उनको भी यहाँ पर बिजनेस लोन देते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर बात करें सप्लाई चेन फाइनेंशियल जैसे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर फाइनेंशियल वेंडर फाइनेंस ये इस तरीके के फाइनेंस करते हुए नजर आते हैं एज वेल एज अगर आप आप यहाँ पर चाहते हैं अडानी के साथ काम करना तो अडानी के साथ आप यहाँ पर काम भी कर सकते हैं क्यों क्योंकि अडानी एक अभी देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया 2017 में यहाँ पर ये एग्जिस्टेंस में आया है तो इसमें क्या है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इसे ग्रो होने के चांसेस है एज वेल एज नाम लिख रहा है अडानी तो अडानी का नाम ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है दुनिया के एशिया के नंबर वन यहाँ पर रिचेस्ट पर्सन में वो आते हुए नजर आते हैं

अपने आप को ग्रो करा सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन टू नेशन इकोनॉमी में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है यहाँ पर देख सकते हैं किसानों के लिए स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए ओके यहाँ पर आप यहाँ पर लोन लेते हुए नजर आ सकते हैं इसके अलावा कंपनी के बारे में और भी देखिए बिजनेस लोन सप्लाई चेन यहाँ पर फाइनेंस से कंपनी करती हुई दिखाई देती है यहाँ पर देखिये तो यहाँ पर लगभग इन्होंने अभी तक हंड्रेड वन थाउजेंड प्लस करोड़ रुपीज का यहाँ पर क्या दे दिया लोन यहाँ पर इन्होंने अभी तक बांट रखा है ओके okay, एक हजार प्लस यहाँ पर करोड़ रुपये का लोन यहाँ पर ऑलरेडी बांट रखा है तो इतनी बड़ी यहाँ पर इन्होंने लोन नहीं दिया है इसके अलावा इनकी जो रेटिंग है वो भी पॉजिटिव है यहाँ पर देखिए क्रिसल ने ए प्लस हाई सेफ्टी के रेटिंग दी है इससे पहले ए माइनस के आसपास यहाँ पर रेटिंग थी बात करें तो यहाँ पर 60 प्लस यहाँ पर इनकी ब्रांचेज है तो अभी इनिशियल स्टेज में है तो यहाँ पर ज़्यादा इनकी ब्रांचेज भी नहीं है और लगभग आठ स्टेट स्टेट में ही इंडिया के ये मौजूद है और भारत में स्टेट कितने हैं आप भी यहाँ पर जानते हैं तो यहाँ पर हैप्पी कस्टमर्स की बात करें तो लगभग थर्टी थाउजेंड प्लस यहाँ पर हैप्पी कस्टमर्स है ये पुराना ये डेटा है आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यहाँ पर डेटा यहाँ पर चेंज हो गया है थोड़ा सा क्यों क्योंकि यहाँ पर अगर देखे तो इनके जो ब्रांचेज है जो यहाँ पर दे रखी है सिक्सटी प्लस यहाँ पर ब्रांचेस अक्रॉस तो वो बढ़ के अभी वन फिफ्टी फोर यहाँ पर इनकी ब्रांचेस हो गई है एज वेल एज यहाँ पर सिक्सटी थाउजेंड यहाँ पर इनके बोरोवर्स हो गए हैं, मतलब इतने यहाँ पर आ, लोग यहाँ पर इनसे लोन ले चुके हैं। यहाँ पर अगर बात करें कंपनी की तो कंपनी करोड़ का पर लोन देने के बारे में पर देख रही है मेंसेंट uh, तो इनकी जो एन पी ए NPA है वो भी यहाँ पर काम है लगभग एक परसेंट के आसपास ही है तो ये सब चीज यहाँ पर इन्होंने uh, यहाँ पर इंटरव्यू दिया था उसमें इन्होंने बताया और जो ये आई पी ओ आ रहा है यहाँ पर एट बिलियन वैल्यूएशन तो पर जो वैल्यूएशन है इन्होंने लोन कितना बांटा है इन्होंने लोन अभी वन थाउजेंड प्लस या फिफ्टीन हंड्रेड या इसके आसपास पास यहाँ पर इन्होंने लोन बांट रखा है और वैल्यूएशन इन्होंने टू बिलियन डॉलर की कर रखी है तो कहीं ना कहीं जैसे अडानी के मोस्टली स्टॉक्स आप देखेंगे सारे महंगे नजर आते हैं सेम एज इट इज यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी स्टॉक्स आपको कहीं ना कहीं महंगा नजर आता हुआ दिखाई देगा बट एक क्रेज है अडानी के स्टॉक्स का तो वो क्रेज कहीं ना कहीं बना रहेगा या नहीं बना रहेगा वो तो डिपेंड करेगा जब इसका आईपीओ आएगा तो इसका आईपीओ 2024 तक लगा अभी एक डेढ़ साल है ओके okay, यहाँ पर कभी भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है एज वेल एज यहाँ पर देखेंगे ये आईपीओ के थ्रू लगभग पंद्रह करोड़ रुपए पंद्रह करोड़ रुपए यहाँ पर जुटाने की प्लानिंग में है और इनके सीईओ की बात करें तो इनके सीईओ कौन है यहाँ पर गौरव गुप्ता है जो कि यहाँ पर कौन रह चुके हैं यहाँ पर गौरव गुप्ता की अगर बात करें तो ये ये यहाँ पर 2016 मतलब दो दशकों का इन्हें एक्सपीरियंस है वो भी बैंकिंग फॉर्म में किसमें नमूरा होल्डिंग में एक कंपनी में काम कर चुके हैं रॉड चाइल्ड एंड कंपनी में एक कंपनी में काम कर चुके हैं सर्विंग एज मैकवारी ग्रुप में एक कंपनी में एक काम कर चुके हैं तो यहाँ पर ये यह आप लोग सभी जानते ही है तो कंपनी की बात करें कंपनी यहाँ पर टू बिलियन के एक तो यहाँ पर टेन परसेंट स्टेक सी जब आईपीओ आएगा तो लगभग टेन परसेंट स्टेक्स यहाँ पर डाइल्यूट uh, होता हुआ नजर आएगा और वो भी टू बिलियन डॉलर के आसपास पास यहाँ पर डाइल्यूट होता हुआ नजर आएगा तो कहीं तो ना कहीं कही शेयर यहाँ पर महंगा नजर आता है इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा इसके अलावा हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो अड़ानी uh, का यहाँ पर ये यह स्टॉक्स है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पर परफॉर्मेंस टोटल इनकम देखेंगे तो कहीं ना कहीं बढ़िया होती हुई नजर आ रही है 840 करोड़ मिलियंस इन रूपीज का है इससे पहले 603 मिलियन से रुपीज का था लगभग 840 करोड़ और यहाँ पर देखें इनका एक्सपेंसेस वगैरह सब काटने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें तो लगभग तैतालीस करोड़ का इनका प्रॉफिट होता हुआ नजर आया था और इससे पहले ये बात करें तो लगभग दस करोड़ लगभग क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने चार गुना यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आया और ईपीएस भी देखे तो पॉइंट से टू पॉइंट पर इनका ईपीएस भी बदलता हुआ नजर आया बट ये क्वार्टरली बेसिस पे था अब ईयरली बेसिस पे अगर हम बात करें तो ईयरली बेसिस पे इनके रेवेन्यू तो बढ़े है यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इनकम की

इसे आपको यहाँ पर इग्नोर नहीं करना चाहिए और इनका ईपीएस भी लगभग आधा जाए यहाँ पर होता हुआ नजर आया बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं आप गूगल पे जाएंगे डालेंगे इनके रिजल्ट से रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएगी कि यहाँ पर इनका कैश फ्लो किस तरीके से है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा इनके लोन कितना डिस्पर्स कर रखा है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको पता चल जाएगी तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएगी तो क्या यहाँ पर आपको बेट लगानी है या नहीं लगानी है ये तो हम तभी बता पाएंगे जब यहाँ पर पूरी डिटेल्स के साथ ओके okay, इसका पूरा आता हुआ नजर आएगा जब ये यह आईपीओ यहाँ पर अप्लाई करते हुए नजर आएंगे पूरी डिटेल्स यहाँ पर आएगी उस टाइम हम यहाँ पर एक बार अडानी कैपिटल को यहाँ पर देखेंगे उस टाइम यहाँ पर देखेंगे कंपनी का वैल्यूएशन जो टू बिलियन डॉलर के आसपास ये उगाने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पर जस्टिफाई करती है या नहीं करती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट और ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि अडानी के इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में यहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं तो होप यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको अडानी कैपिटल्स के रिलेटेड पता चली होगी एज वेल एज यहाँ पर कंपनी करती क्या है वो मैंने आपको बता दिया और पार्टनर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं क्योंकि ग्रोइंग कंपनी है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी और लाइक करिएगा कमेंट करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोनों ताकि इस तरह की वीडियो मिलती रहे बेल आइकन को और लाइक बटन दोनों को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए थैंक यू सो मच कॉर्ड्लेस